हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो जो भी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हैं उनका कौन कौन से सब्जेक्ट लगेगा, मैं आज इसी के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 6 बुक पढ़ना है। ये 6 बुक आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, और इसका थ्योरी पेपर होगा। जो 6 सब्जेक्ट हैं ये 6 का केवल थ्योरी पेपर होगा, और प्रैक्टिकल आपका प्रैक्टिकल यहाँ पे देख रहे हैं 2 ही सब्जेक्ट का होगा, PC और आपका ECD। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल, आप जो ये 70 मार्क्स दिख रहे हैं ये 70 मार्क्स के नहीं होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। और जिसमें आपका मिनिमम मार्क्स होता है 17 नंबर पाना रहता है केवल, तो 17 नंबर आपको 50 में 17 नंबर आपको पाना रहता है जो आपको पासिंग मार्क्स होते हैं। या उसके नीचे आप देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर, ये सेकेंड सेमेस्टर का है जिसमें आपको, इसमें भी 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट हैं इसका। देख आप प्रैक्टिकल देख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट के हैं केवल, और थ्योरी पेपर 6 का भी थ्योरी पेपर ही होगा, ये तो कंफर्म है। और उसके बाद ये जो आपको 70 मार्क्स दिखाए हैं, 70 मार्क्स नहीं होते तो 85 मार्क्स होते हैं। और आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा थर्ड सेमेस्टर का, ये थर्ड सेमेस्टर का है जो केवल इसमें 5 ही सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं जिसका 4 का यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा, और उसके आगे आप थ्योरी पेपर 5ों का होगा। ये चौथे सेमेस्टर का है, चौथे सेमेस्टर में आपको दिख रहे होंगे 4 ही सब्जेक्ट है, और 4 सब्जेक्ट है और यहाँ पे 4ों का प्रैक्टिकल है। तो आप ये समझ ही गए होंगे कैसे होगा प्रैक्टिकल, और ये आप वीडियो पॉज करके इसको समझ लीजिएगा। जो बच्चे इसमें एडमिशन लिए हैं उनके के लिए थोड़ा दिक्कत है, तो आप मेरे कमेंट में बता सकते हैं आपको क्या दिक्कत है, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे और आगे आपको 5वें सेमेस्टर में आपको जो है इसमें भी केवल 4 सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, आप अगर दूसरे अदर ब्रांच में जाएंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 4 सब्जेक्ट 5वें सेमेस्टर में भी है, इसमें केवल 3 ही प्रैक्टिकल हैं और थ्योरी 4ों का होगा टोटल का। तो ये रहे 5वें सेमेस्टर में, और 6वें सेमेस्टर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ये 4 ही सब्जेक्ट हैं, 4 ही सब्जेक्ट। प्रोजेक्ट जो होता है आप जब सेकेंड ईयर कर लेंगे उसके बाद ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद जो ट्रेनिंग में आपको सिखाए रहते हैं लोग वही आपका प्रोजेक्ट में होता है, यही जो फर्स्ट सेकेंड यही आपका ट्रेनिंग में होगा, ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट होगा। बाकी 3 ही सब्जेक्ट है और 3 का ही थ्योरी है आपका, और केवल उसके बाद आपको नीचे ये जो दिख रहे हैं ये इसका इससे कोई मतलब नहीं, आपका जो भी आपका ट्रेनिंग किए रहेंगे उसी का केवल प्रोजेक्ट आपको बनाना रहता है। तो ये हो गया 6 सेमेस्टर का। तो आगे और कुछ नहीं है, बस आपके लिए इतना ही है 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट। और अगर वीडियो कैसा लगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो बनाता रहूँगा। और थैंक यू माय वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।